हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लैब रिव्यूज़। सो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बैग, और जो कि मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन एक इंस्टाग्राम पेज से, लेकिन उनकी वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहो तो आप लोग कर लो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उनका टैग दिखा देती हूँ जो कि बैग के साथ लगा आया था। ये है ब्रांड जिसका नाम है बैगर्स, जो कि एक बैग्स का ऑनलाइन पेज है, और वो लोग डिफरेंट टाइप के बैग्स करते हैं सेल आउट। और ये उनका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट वगैरह भी है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग यहाँ से अगर यूज़र नेम यहाँ से भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैग की। तो ये बैग की प्राइस 1300 रुपीज़ है। जी, 1300 रुपीज़ है इस बैग की प्राइस, और इसका साइज़ भी इतना छोटा नहीं है, आप लोग देख सकते हो, ये पूरे हाथ टाइप से थोड़ा बड़ा ही है। मिनी बैग भी आप इसको वैसे तो कह सकते हो। इसकी प्राइस सिर्फ 1300 रुपीज़ है, वो भी सेल पे, क्योंकि इनका इन्होंने कोई सेल लगाई थी जिसकी वजह से 1300 रुपीज़ इसकी प्राइस थी, और डिलीवरी चार्जेस दे के मुझे 1500 रुपीज़ में ये बैग रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, सिर्फ 1300 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो बहुत ही अच्छा ये बैग लगा। आप लोग देख सकते हो, ये इस टाइप का बैग है, मस्टर्ड कलर है ये, और ये जिस तरह का आपको कलर शो हो रहा है एग्जैक्टली वैसा ही कलर है ये। ठीक है, ये मस्टर्ड कलर है और इस टाइप का ये बैग है, और इसके अंदर इसका एक पाउच है। ये पाउच मतलब कि आप इस बैग में पूरा एक पाउच ही है, आप उसके अंदर ही चीज़ें रख सकते हो, और साइड पे थोड़ा बहुत जगह है कि आप थोड़ा सा कुछ और रख सको। पहले आप लोगों को इसका पाउच दिखा देती हूँ। ये इसका पाउच है, एग्जैक्टली उसी बैग के कलर का है, पाउच है, साइज़ भी एग्जैक्टली बैग वाला ही है तकरीबन। और ये खोल के भी दिखा देती हूँ आपको इसकी कैपेसिटी। ये देखें, ये इसके अंदर जगह भी काफ़ी, आप काफ़ी कुछ रख सकते हो अंदर। ठीक हो गया। बैग के बाद इसके साथ इन्होंने इसकी बेल्ट दी है, ये आप लोग देख सकते हो, कि इन्होंने इसकी बेल्ट भी दी है। मतलब कि 1300 रुपीज़ में आप लोगों को इतना अच्छा बैग मिल रहा है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इसके बारे में भी आप लोगों को रिव्यू दूं और बताऊं। और आप लोग देख सकते हो कि बैग के अंदर की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, कम नहीं है, इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर आप ये पूरा पाउच रख सकते हो, और पाउच रखने के बाद आप ये बेल्ट भी रख सकते हो, और ये रखने के बाद इसके अंदर फिर भी जगह बचती है कितनी, ये देखें, और ये ज़िप वगैरह है। अच्छा, अब मुझे ओवरऑल ये बैग बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इनके पास इसकी वैरायटी इतनी ज़्यादा कलर्स की थी। इसमें मेहरून था, वाइट था, ब्लू था, बहुत ही प्यारा ही ज़्यादा वैरायटी थी, बट मेरे पास मस्टर्ड कलर का कोई बैग नहीं था, और ये बैग मस्टर्ड कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने मस्टर्ड कलर में ऑर्डर कर लिया, वरना इसमें बहुत प्यारे प्यारे और कलर्स भी थे, अगर आप लोग अपनी पसंद का कोई लेना चाहते हैं तो। अब इसमें जो एक बात थोड़ी सी मुझे लगी है, बट वो इतनी आप कह सकते हैं वो होती है हर हर ऑनलाइन शॉपिंग में, वो ये कि जो रिबन का कलर है ना, वो पिक्चर में कुछ और था और असल में आने से वो कुछ और है। मतलब कि जो पिक्चर में था उसमें बहुत ब्राइट कलर शो हो रहा था, और जब ये आया तो आप लोग देख सकते हो ये इतना ब्राइट कलर नहीं है, थोड़ा सा डार्क सा डल सा कलर आता है ये। बट ये भी रिबन इसके साथ अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पिक्चर में शो हो रहा था ये वो चीज़ नहीं थी, बट आई गेस वो कैमरे की या पिक्चर लेने की वजह से इस तरह हो जाता है। मैं उसकी पिक्चर भी साथ लगा देती हूँ ताकि आप लोग देख लो कि ओरिजिनल पिक्चर कैसी थी और मुझे कैसा और रिसीव हुआ। बाकी सारा बैग का कलर हर चीज़ सेम है, सिर्फ रिबन मुझे डिफरेंट लगा है, और उसका रिबन थोड़ा सा अट्रैक्टिव था और इसका रिबन थोड़ा सा डल है, बट ठीक है, गुजारा टाइप सीन है। मतलब कि आपको 1300 में एक बैग मिल रहा है प्रॉपर, जिसके अंदर एक पाउच है और उसके साथ उसकी बेल्ट है, उसके अलावा वो ट्रेंडी सा है आजकल, मतलब ऐसा चलते हैं बैग्स, तो इतना तो चलता ही है फिर। सो मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये बैग लेना है, और डिफरेंट कलर्स भी इसमें हैं, और इसमें साइज़ भी, बड़े वाले साइज़ भी अवेलेबल हैं सेम बैग में, तो आप लोग वो ऑर्डर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और इसके अलावा मैं स्क्रीन पे भी इंस्टाग्राम का और फेसबुक का और वेबसाइट का सारा कुछ लिख देती हूँ, ताकि आप लोग देख सको वो। सो होप सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप लोगों को पता आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने करना है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।